ग्राउंड जीरो विच तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है अमनप्रीत कौर। अज तुहानू दसना चाहवांगे कि लगातार कोविड के मामलों में वाधा हुंदा जा रहा है। हर रोज़ नवे रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। जिस तरीके दे नाल जिहड़ी सैकेंड वेव देखी जा रही है, इस विच हर रोज़ रिकॉर्ड भी दर्ज हुंदे ने ते सब तो ज़्यादा जिहड़े आंकड़े हैं वह लगातार मौतों के दर्ज किए जा रहे हैं। अगर गल की जाए आंकड़ों की, तो हुण तक लुधियाना दे विच 753, एस एस नगर विच 749, ते जलंधर विच 658, बठिंडा विच 468, ते पटियाला विच 465 जिहड़े मामले हैं, यानी कहा जा सकता है बहुत ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। हर रोज़ रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। और अगर गल की जाए अगर डैथ रेट की, तो सब तो ज़्यादा जी है डैथ रेट वो अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, एस एस नगर विच दर्ज की जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन एरियज भी काफ़ी जगह बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके दे नाल लगातार मामले विच इजाफा हुंदा जा रहा है और बार बार प्रशासन वालों भी अपील की जाती है कि कोशिश की जान कि लोग बहुत जरूरी हो वो उदों ही घरों बाहर निकलन, अदरवाइज लोग अवॉइड किए जान। हालांकि अगर नवी गाइडलाइन की अगर गल की जाए, हूँ जिस तरीके दे नाल लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार वालों भी सख्ती की जा रही है, प्रशासन वालों भी सख्ती की जा रही है। हूँ जिते अगर कर्फ्यू के टाइम की गल की जाए, शामी 6 बजे तो जो शुरू हो जाएगा, तो शॉप्स बंद करने को लेकर जो नवे ऑर्डर जारी कर दिए गए, सो लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है। बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार के नाल होर भी समस्यावां सामने आ रही हैं, जिवें घटदी ऑक्सीजन की समस्या एक अहम समस्या मनी जा रही है। जिहड़े कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा लोड़ है, उत्थे ही हुण ऑक्सीजन की घाट भी एक वड्डी समस्या बनती जा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं हुशियारपुर के सरकारी हॉस्पिटल दी, जिथे कि एंबूलेंस चालक वेले खड़े हैं और इन एक रोष है कि जिहड़ी प्रारंभिक जिहड़ी उपचार है वह एंबूलेंस में दिता जाता है, उस करके ऑक्सीजन बड़ी जरूरी है, पर एंबूलेंसां नूं भी हुण ऑक्सीजन नहीं मिलती। जे बीते कल की गल करिए 235 नवे मामले सामने आने तो बाद लगातार कोरोना की रफ्तार जिला हुशियारपुर भी बढ़ती जा रही है और 7 मौतें भी सामने आई हैं। सो कुछ एंबूलेंस चालक भी साडे नाल मौजूद हैं। किदां दी परेशानी दिक्कत आ रही है, कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, लगातार पेशेंट सामने आ रहे हैं, तुहानू की दिक्कत आ रही? सर सानू सब तो वड्डी दिक्कत यह है कि सब तो पहला कोई भी सादा वा गड्डी घर दी किसी का पेशेंट बीमार होंदा वा एंबूलेंस बुलाउंदा वा, असीं भी एंबूलेंस लैके तां जावांगे जे सातो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। हुण सानू सर 10-12 दिन हो गए सानू सिलेंडर नहीं मिल रहे, बहुत जाने के समस्या आ रही है कि जाने के हुण गड्डियां जिदा ही हॉस्पिटल आ के खड़दियां वा इदां ही खड़ियां रहिंदियां वा, असीं भी उस दिन तो काम तो वेले ही बैठे हाँ। सातो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा तो असीं पेशेंट लैके जाऊंगे, नहीं तो ना। सो ऑक्सीजन की दिक्कत एक बहुत वड्डी दिक्कत बनती जा रही है, गड्डियां लेके आने हो जे पेशेंट नू घरों लियाण दा फोन आंदा फिर की करदे हो? पेशेंट नू तां पहला सवाल ये पुछीदा जी पेशेंट कहते आ, ऑक्सीजन ते कि नॉर्मल आ, जे सानू कहिंदे ऑक्सीजन ते साडे कोल सीधा कहिंदे साडे कोल ऑक्सीजन है नहीं जी, तुसीं जिहड़ी मर्जी गड्डी हायर कर लो जी, सरकारी गड्डी लाइओ तुसीं जिहड़ी मर्जी लाइओ जी। सानू प्राइवेट वालिआं नू असीं जिथों पहला सिलेंडर भरवाउंदे सीगे जी, असीं उन्हां नूं गल कीती, उह कहिंदे सानूं डीसी ने मना कीता आ वी सिलेंडर देण तों, वी साडे तों पुछे बिना किसे नूं सिलेंडर नहीं देणा, उह कहिंदे सानूं कहिंदे साडे कोल गिणती आ सिलेंडर आ जी। पर प्रशासन वल्लों लगातार ये गल्लां कहीआं जा रहीआं वी करोना दे चलदे हर सहूलत दा इंतजाम कीता जा रहा, ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, पर सच की है? सच सर की है पता नहीं, सानूं समझ नहीं आ रही ऑक्सीजन मुहैया कित्थे करवाई जा रही है जी। वड्डे वड्डे हॉस्पिटल ने अपना स्टॉक रखे हुआ जी, बस ठीक है, जो पेशेंट अभी प्राइवेट चो भी रैफर करते हैं जी, सानू सब तो पहला ऑक्सीजन है, 99% पेशेंट ऑक्सीजन जाता जी, सब तो वध करोना चल रहा जी, करोना फुल ऑक्सीजन जाती है जी, 15 पौंड से पूरी ऑक्सीजन जाती है जी, साडा एक सिलेंडर जलंधर में खत्म होता पूरा जी। हुण साडे को किस तो 0 आ, किस तो 5 पौंड आ, किस तो 10 पौंड आ, वो बेफालतू कोई फायदा नहीं वोदा भी जी। सो हर ग्राउंड जीरो की उस रिपोर्ट ना तुहानू जाणू कराईदा है जिहड़ी कि इस करोना के चलते बहुत अहम है। सो एक अजिही समस्या तुहाडे सामने लैंदी है जिहड़ी कि बहुत अहम समस्या बनती जा रही है, ऑक्सीजन की घाट। सो इस वेले जिहड़ी एंबूलेंस जिहड़ी कि मुढ़ली सहायता देंदी सी, मुढ़ली उपचार देंदी सी, उहदे विच एक उन्हां नूं ड्राइवरां नूं एक दिक्कत आ रही है भी वह पहलां पुछदे हन कि ऑक्सीजन वाला मरीज़ है या बिना ऑक्सीजन वाला मरीज़ है। जे उन्हां नूं कहा जाता है कि मरीज़ नूं ऑक्सीजन की लोड़ है तो उन्होंने सिर्फ ये गड्डियां भार ढोन वाली गड्डियां ही बन दिया जा रही हैं, जिथे कि एंबूलेंस ने इस करोना के दौरान एक अहम रोल अदा किया है, उत्थे अज एंबूलेंसा खड़िया एक चिंता का विषय बन दी जा रही हैं।
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਸੋ ਅਸੀਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੈਨ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟੀਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਹਕ ਹੋਊਗਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਚਾ ਖਚ ਭੀੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੋਕੀਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ 3-3, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਔਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ
जिहड़ा फरीदकोट जिले दे विच 152 केस है जिहड़े ओह एक्टिव आए सीगे और हुण साडे कोल जिहड़ी संख्या हो गई है एक्टिव केसां दी 1121 जिहड़े मरीज हैगे एक्टिव केसां दी संख्या हो चुकी है और कल फिर दोवां दी मौत होई है, दो मरीजां दी मौत होई है और जिस तरीके नाल सरकार इहनूं गंभीरता नाल लै रही हैगी है लेकिन लोकां दे विच बिल्कुल अवेयरनैस नहीं देखण नूं मिल रही। जिहड़ा लॉकडाउन सरकार ने कल नवां ऑर्डर कीता हैगा कि 5 बजे दुकानां बंद हो जाणगियां सारे वस्तुआं दीआं और उस तों बाद 6 बजे तो लैके लॉकडाउन होगा सुबह 5 बजे तक। साडे नाल कुछ दुकानदार ने उन्होंने गलबात करते हैं की नुकसान होगा की फायदा की नाम है तुहाडा? परमपाल जी। परमपाल, सब्जी का कामकार है की फायदा होगा? सर टोटली नुकसान होगा, काम छड्डन ते मजबूर हो जाएंगे असी, इन्ना नुकसान होना भी कल एतवार बंद होने नाल साढ़े 2 क्विंटल सब्जी सही वेस्टिंग की सारी सारी सिटी है अज फिर वो टाइम कहते 5 बजे तक अज तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना काम, हफ्ते 10 दिन दुकान में ताला लावे असं भी ये पोजिशन हो जानी है साड़ी तो साढ़े को कि रास आड़ती पे है टुट जाएंगे सानू कि सौदा देना किसी ने जो आ रहा तो फ्रूट विक्रेता साढ़े नाल ने जेकर यह लॉकडाउन ऐं चलता 5 बजे बंद हो जाया करूगा की नुकसान होगा? सारा नुकसान ही है जी, सारा फ्रूट शाम को गाह की शाम को चलता जी 6-7 बजे तो बाद नुकसान ही आता जी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ। पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप दिन ब दिन लगातार वध रहा और अजिहे वेले जो 3 लाख तो ज़्यादा नवे मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, हज़ारों की गिनती मरीजों की मौत हो रही है और खास करके जो पूरा देश इस वेले ऑक्सीजन के नाल नाल वैक्सीन रेमडेसिविर इंजैक्शन की कमी के जूझ रहा, वह इंजैक्शन जो इस बीमारी के रामबन सिद्ध हो सकता है, लोग मजबूर ने इस इंजैक्शन में 30-40 हज़ार रुपये की ब्लैक से खरीदने लिए और जो गरीब ने जो इन्नी पहुँच नहीं रखते वो सरकारी दफ्तर के चक्कर कट्टन मजबूर ने। पर इस दौरान असी पहुँचे अमृतसर स्थित क्वालिटी फार्मास्यूटिकल जिथे ये इंजैक्शन तैयार तो किया जा रहा पर कित ना कि सरकारी नियमों के चलते देश में इस इंजैक्शन की सप्लाई नहीं की जा सकती। साढ़े मौजूद ने क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश कुमार। सर सब तो पहले तो दसो तुम कदों के इस फील्ड चो कि मुल्कों जी सप्लाई जा रही थी इंजैक्शन? असी यह इंजैक्शन अप्रैल 2020 तो बना रहे हैं, सब तो पहली बहामास से सप्लाई गई सी, उस तो बाद फिर स्टार्ट हो गया क्योंकि कोविड पीरियड ही अप्रैल तो स्टार्ट सी और रेमडेसिविर उस यूज़ किया जाता सी, असी पूरे साल च 4 लाख के करीब टीका वेचे, उस तो बाद साढ़े को हुन भी ऑर्डर है 3 या 4 लाख के रॉ मटीरियल भी असी चाइना तो बुक कराया उन्हें बनाने वास्ते, लेकिन सरकार दे रातों रात 11 तारीख 11-4 जड़ा इतवार का दिन सी राती 11 बजे नोटिफिकेशन आ के उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिता गया। ऐसे साल 2021 की गल कर रहे हैं और जड़े माल पोर्ट के उत्ते पे सी कस्टम ने लैन तो रिफ्यूज़ कर दिता, कस्टम दे 1000 समझाने के बावजूद कि नोटिफिकेशन साढ़े ते एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 1 और 2 दी है, 4 दी नहीं है, 4 दे विच इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट की परमिशन होंगी है, कस्टम एक्सपोर्ट ते बैन लगा कानूनी तौर पर कोई बैन नहीं है एक्सपोर्ट के उत्ते, कानून देखा जाए तो 4 की है नोटिफिकेशन ही नहीं, लेकिन लोग इन्ने ज़्यादा डर गए प्रेस को और कस्टम वाले अफसर PM हाउस तो कि वो इनू एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं दे सकते, उन्होंने पता है कि असी कानूनी तौर पर ठीक हाँ, उन्होंने सानू अपना माल वापस ले जा के गोदाम से रखने वास्ते कह दिता है कि बुकिंग नहीं हो सकती। इंजैक्शन तैयार पे तो इंडिया जो इंजैक्शन है वो सेल नहीं कर सकते? असी नहीं कर सकते क्योंकि यह माल अनऑथराइज्ड अनरजिस्टर्ड सोर्स तो आया है, रॉ मटीरियल है यदि एग्जम्पशन एडवांस लाइसेंस है, फॉर्म 10 के विच रजिस्टर्ड सोर्स तो रॉ मटीरियल आ सकता है। मतलब नियम रहा तुसी भारत सरकार तक या पंजाब सरकार तक पहुँच की कि तुहानू ये परमिशन दी जाए क्योंकि लोग मर रहे हैं बहुत ज़्यादा हाहाकार? असी बिल्कुल की है, सेंटर से भी की और स्टेट के उत्ते भी किया कि दे दी जाए,
कानून दे विच जे सानू परमिशन स्टेट दे दिंदी असी टीका भेज देंगे। जिहड़ियां दो तीन वायलेशन होणगियां उन्हां दे विच जो भी होएगा देखी जाएगी, अपने अपने सामने तो लोग नहीं मरते देखे जा सकते। पीटीसी न्यूज़ दे राही तुसीं भारत सरकार नूं की अपील करना चाहोगे? मैं कहांगा कि वो पेटेंट नूं तोड़न, फॉर्म 10 दी एग्जम्पशन देन और 122 ई दे कानून च भी एग्जम्पशन देन, पूरा इंडिया माल बना के उन्हां दे दे, कोई शॉर्टेज नहीं रहे। तो देखने वाली गल है कि कदों सरकार इन मौजूदा हालातों नूं मुख रखदे आ इन्हां नूं इंडिया दे अंदर रेमडेसिविर इंजैक्शन देने की परमिशन दिंदी है, तो कदों लोगों नूं राहत मिलती है? कैमरा पर्सन अवतार सिंह दे नाल मनिंदर सिंह मौंगा, पीटीसी न्यूज़ अमृतसर। कोरोना महामारी के चलते पंजाब सरकार आए दिन नवी नवी हदायत भी लैके आ रही है, तो सख्ती भी कर रही है। पहला 9 बजे तो लैके 5 बजे तक करफ्यू का ऐलान किया गया, फिर 8 to 5 होया, हूँ कल तो एक नवी हदायत आ गई है कि शाम 6 बजे तक ही दुकाना खुलनगियाँ, उस तो बाद दुकान कोई नहीं खुलेगी। तो आने वाला समा जरा शुक्रवार 6 बजे तो लैके सोमवार सवेरे 5 बजे तो लै तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। आप करें मजीठे दुकानदारा नाल गल करते हैं कि वो की सोचते हैं, यह जी सरकार की हदायत जी सरकार ने नई नई हदायत आ रही उस बारे की सोचने पहला 9 फिर 8 हूँ 6 बजे हो गया दुकाना बंद करने का समय, किन्ना क तुम नुकसान तो कि देखो जी बहुत ज़्यादा ही नुकसान है इस चीज का। तो चलो जो भी सरकार कह रही हैं भी कोरोना महामारी चल रही है, इस करके गरीब का बहुत ज़्यादा गरीब का गल घुटिया जा रहा है, तो गरीब तो दिनों दिन मरता ही जा रहा, थले तो थले जा रहा। जोड़े सरकार स्कीम ज सरकार किसी न गरीब बंद कोई भी स्कीम नहीं कोई दे रही, पर महामारी कहते बढ़ती जा रही है। महामारी जी है जी, देखो सरकार जी मेडिसिन जो भी कह रही है उन्होंने घरों घर उपलब्ध पहुँचावे, जड़िया दुकाना दुकानदार जो कमाऊगा नहीं दिखाऊ कितों? बिल्कुल जी, दुकानदार कमाऊगा नहीं तो खाऊगा कितों? देश के लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो जिस तरीके दे नाल पिछले दिनों तो आंकड़े 3 लाख तो पार चल रहे हैं, आज भी पिछले 24 घंटे जो कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं उन्हें 3,23,144 जाहिर तौर पर पिछले दिनों तो अज कुछ घटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लगातार कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे जो मौत हुई 2,771 उत्थे जो लोग डिस्चार्ज हुए उन्हें 2,51,827 आ तुम देख सकते हो। पुलिस लोगों को चैक कर रही है कि सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी वाले ही इतों जान दिता जा रहा है, तो बाकी जिन्होंने को पास नहीं है उन्होंने को पूछगिछ की जा रही है। अजे तक जो कुल हिंदुस्तान केस है 1,76,36,307 जो कुल ठीक लोग हुए हैं 1,45,56,209, तो पूरे देश भर के मौत का आंकड़ा 1,97,894 होया है। तो अजे तक जो कुल लोगों वैक्सीन लगी है वो गिनती 14,52,71,186। देश की राजधानी दिल्ली की गल करिए, एक बार फिर तो पॉजिटिविटी रेट वाधा होया नज़र आ रहा है, 35% पॉजिटिविटी रेट होया पिछले 24 घंटे 380 मौत हुई ने, 20,201 मामले सामने आए हैं। जाहिर तौर पर सरकार ने लॉकडाउन जरूर एक्सटेंड किया, लेकिन सड़कों पर भीड़ घटती हुई नज़र नहीं आ रही, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि लगातार मौत का आंकड़ा वाधा जा रहा है।